बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। पर टाइम हैज कम, अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं, वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, हर रिश्ता मेरे घर में निकाह शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ। मेरी मां तहज्जुद गुजार है। हमारे यहां सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं। मैं दुनिया के किसी भी बड़े आलिम को लाऊं, उनकी मर्जी का, तीन किस्म होते हैं, मुसलमान, गैर मुसलमान और मुर्तद। किसी भी बड़े मुसलमान आलिम को लाएं, वो तय कर लें कि इस्लाम से कौन खारिज। लेट देम नॉट प्रीच इस्लाम टू मी। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ, तब इनको इनका इस्लाम याद नहीं आया था। तब दो बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम खेला किया, एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था, और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी इज एज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ, जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है, गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स। बिकॉज मुस्लिम जो है, लेट अस ऑल नो, मुस्लिम इज फुल। ईदर यू आर अ मुस्लिम और यू आर नॉट अ मुस्लिम। यू कैन नॉट बी 37 or 88% मुस्लिम, यू हैव टू बी 100% मुस्लिम। नहीं जी, मैं निकाह नहीं मानता हूं, बाकी मैं सब मानता हूं, ये कहां चलेगा? सो ही शुड नॉट, बिफोर सर्मनाइजिंग मी, ही शुड लुक इनवर्ड्स। मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता। मैं कभी, हमने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं की कि नहीं लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वो हर बार लाइन क्रॉस करते हैं। एवरी टाइम ही क्रॉसेस द लाइन। अब मुझे पता, अगर मैं आज रिएक्ट ना करता तो रोज होता कि जनाब जी मुसलमान नहीं है, अब जी ये इस्लाम वाला नहीं है। द बेस्ट थिंग फॉर देम वुड बी टू शट अप नाउ, बिकॉज जितना ज्यादा इस्लाम के डिस्कशन में आएंगे वो तो उन पर आएगा। आई एम अ प्राउड मुस्लिम, आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हिंदू या क्रिश्चियन हमारी नमाज पढ़े, ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ना मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि तुम उनके जो है भजन गाओ या उनके चर्च में जाओ। उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है। वी बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन भजन तो वो गाते रहते हैं 24 घंटे, वो तो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। किस जगह है राम जी का नाम कुरान में या हदीस में, आप मुझे बताइए। वो अपना एक नया ब्रांड ऑफ इस्लाम बना के बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला ब्रांड ऑफ इस्लाम। सो लेट हिम नॉट टॉक अबाउट इस्लाम। आई होप दिस इज द लास्ट वर्ड। आई विल नॉट अगेन इशू अ स्टेटमेंट ऑन दीज लाइन्स, बट इफ ही डज देन लेट एन आलिम कम एंड डिसाइड कि इस्लाम से खारिज कौन है और इस्लाम के हदूद के अंदर कौन है। मेरी बात सुनो, बीजेपी का मुस्लिमों के तेज सबको पता है नेगेटिव, बट आई विल नॉट थ्रो मुस्लिम एट हंग्री लाइन्स। उसको है बेटा, मेरी बात सुनो, जब ये उमर साहब वहां जाते हैं, सारे बीजेपी बड़े बुजुर्ग लीडरों को यह अंकल बोलता है, वो अंकल को जाकर बोले, व्हाई डज ही वॉन्ट अ पुअर मुस्लिम टू बी थ्रोन आउट एट देम एंड बी लिंच्ड? व्हाई? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। हमने भी झगड़ा किया, 30 साल यहां स्ट्रगल हुई, निकला क्या? मैं चाहता हूं किसी तरीके से हम प्रिजर्व करें अपने मुसलमानों को, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हमारे यहां हमारे इस खित्ते के मुसलमान हो। आई डोंट इन एनी वे एक्सपेक्ट, देखो यार मेरी बात सुनो, जिनके साथ ये बैठे हैं, कांग्रेस, क्या है वो, शिवसेना,
आम आदमी जो इंडिया अलायंस है, प्रॉब्लम उनका है, देयर इज अ कम्युनलाइजेशन इन देयर कम्युनिटी नॉट इन द मुस्लिम कम्युनिटी, ये उनका प्रॉब्लम है. Why are we bringing it at our footsteps? So, do you think communal atmosphere has been created in the valley? नहीं, इससे क्या होगा? इससे तो कोई communal atmosphere, यहाँ 90% Muslims हैं, यहाँ कौन सा communal environment होगा? नहीं, इसको देखो, आज digital world है, यहाँ बयान दिया बिहार वाला देखेगा, अरे अभी तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप देखिए कि ये जो बोल रहा है मुसलमानों की मोहब्बत से बोल रहा है या सुपारी जॉब है बीजेपी का, आप ये देखिए. पहले चीफ मिनिस्टर रह चुका है. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैंने आज से 2 साल पहले बोला कि पहले उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को बर्बाद किया, अब ये डिजिटल वर्ल्ड में हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे. वरना आप मुझे बताइए, अभी पहले इसे पहले 2-3 इश्यूज आए कम्युनल इश्यूज, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया. CAA आया, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया. इट डिड नॉट बिकम एन इशू. ही हैज बीन पेड सुपारी, तू इसको इशू बना. आ गया यहां, हाँ भाई ये, अब मैंने बोला, अब मैं नहीं बोलता, लेकिन मुझे मालूम है कल ये फिर बनाते इशू. सो इसलिए आई विल रिपीट कि आप फारूक साहब पहले इस्लाम को अपने घर में जो है ना, अपने घर में इस्लाम जो है ना इंश्योर करिए, फिर बाकियों का मजहब ढूंढिए. नहीं, मुझे तो इतना नहीं दी. अब मेरा भाई, मेरी बात सुनो, आपको मैं अगर पूछूं सोर्स क्या है तेरा, हैव यू बीन ऑल्सो गिवन अ सुपारी जॉब टू आस्क मी दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी बेसिस टू दिस क्वेश्चन? आख और कोने के आता प्रीसीस पैटर्न आख तो वो नहीं पैटर्न वो जो मैंने इसे बका चूस यो गोरा गोबरा बोने कहा था जैसी प्रसाद प्रसाद के मशू बुझा बुझे तात किसन मतलब किफोट चूजे जिंदर उत्मो तो मन मगर मशल मन मैं शी टार चरती हूँ उसमें. इसलिए आज का मतलब था कि हाउ विल यू सुबह जो कुन यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू गो टू एनसी यू आर नॉट आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट किलिंग्स यू आर नॉट आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट पीएसएस दैट गर्ल आस्क्ड आई थिंक 2 मिलियन हिट्स हो गए हैं ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गई है. स्टेटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पेड सुपारी जॉब ऑफ द बीजेपी दीज स्टेटमेंट्स यू नो आर मेंट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट राइट. और जो मैंने आपको बोला इज इट दैट ही हैज लिटरली अ पर्सन हु आई बिलीव इज इरिलीजियस जो शिर्क करते हैं और जहां खुद नहीं मानते हैं वो आज इस्लाम के ठेकेदार या इस्लाम के एडवोकेट बने हैं. इज इट सम थिंग ही फील्स अबाउट मुस्लिम्स और इज इट अ पेड सुपारी जॉब फॉर द बीजेपी? दैट आई थिंक यू शुड लुक एट. बोथ कुड बी करेक्ट. मे बी ही इज फीलिंग बैड अबाउट मुस्लिम्स और मे बी ही इज ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द बीजेपी. वो आप दोनों कर लीजिए. मेरे हमारे पीछे क्यों 24 घंटे लगे रहते हैं? तुम तो रेटू और मुसलमानों को काटा गया, उनसे तो नहीं मांग रहा हूँ ना, अपने भाई अल्ताफ बुखारी से ही मांग रहा हूँ ना, और तो किसी गैर से नहीं मांग रहा हूँ. वो तो कह रहा है आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है उमर अब्दुल्ला साहब. भाई मैं डर गया, मैं क्या करूँ अब, मैं डर गया बहुत, मैं अब क्या करूँ? मुझे मत डरा तू इतना इससे टूरिस्ट से. बाकी एक चीज रियलिटी है, देखो टूरिस्ट जो होता है, बहरहाल अब छोड़ दो, मतलब ही इज अ टूरिस्ट, आई एम से आई कांट, ही इज अ टूरिस्ट, लेट्स फेस इट, ही इज अ टूरिस्ट. Is it tourism valley or North Kashmir? Yeah, overall, to be very honest, if you look at it, he is a tourist in the valley also, right? He doesn't. Me and you have a lot of things in common. We can sit, we can chat, you know, in a Kashmiri style. He can't. When he goes to North Kashmir, that's a very poor, backward area. He's totally, matlab, for them, he's an alien creature. Forget a tourist. और टूरिस्ट तो बेचारा कंट्रीब्यूट करने आता है, वो तो वहां से भी छीन नहीं आया हुआ है.